सुनो जरा जी, हम लोग सीआईडी से हैं। जी कहिए। हमें पता चला है कि होटल पैराडाइज में एक वेटर काम करता है सीगू, वो यहाँ गैराज में आके बैठता है। सीगू? एक वेटर तो यहाँ पे आता है, पर उसका नाम सीगू है कि नहीं ये नहीं मालूम। आज आया है? हाँ आया है। हाँ, अंदर है वो मालिक के साथ। अच्छा हमने रोहित को नहीं मारा। तो रोहित की कार वहां गैराज में कैसे पहुंची? जब मैं घर आ रहा था तो मैंने देखा रोहित की कार रास्ते में खड़ी। दूसरे दिन देखा तो भी कार वहीं खड़ी थी साहब। तो मैंने आके पप्पू को बताया ये एक कार चोर है, हम दोनों मिलके कार चुराते साहब। मैंने ऐसे कहा था कार को गैरेज में छुपा दे, बातों से ठिकाने लगा दूंगा। हम दोनों दूसरे शहर में जाके कार को बेच देते हैं। बगले का वॉचमैन बहुत बीमार था, उसे पता ही नहीं चला कि हमने कार गैराज में छुपा दी। उसे मारा क्यों? नहीं साहब, हमने नहीं मारा, कसम से। वो तो हार्ट अटैक से मर गया, खुद ही मर गया साहब। मैं फंस गया साहब, मैं फंस गया। किसी को बुला भी नहीं सका, किसी को बुलाता तो उसे पता लग जाता कि हमने कार वहां छुपाई। सब झूठ है, सब झूठ। शहर में बाहर से कोई आदमी आया किसी काम से, उसे मार के लूट लिया, उसकी कार चुरा ली, फिर बॉडी पानी में फेंक दी, और अब कहानी बना रहे हो। सब शहरों में भरे पड़े हैं ऐसे चोर, सब झूठ है। वॉचमैन ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी और तुमने उसे ही मार दिया? नहीं साहब, ऐसा नहीं हो साहब। अच्छा, कार में खून कहां से आया? मालूम नहीं साहब, हमने तो खून देखा ही नहीं। वो पैसे कहां है? 40 लाख। 40 लाख? हाँ 40 लाख। 40 लाख के बारे में नहीं बताया, गायब कर गया और मुझे 1-1.5 लाख रुपए की कार दिखा रहा है। अबे मेरे पास 40 लाख होते तो 1 लाख रुपए की कार के लिए यहाँ पे रुका होता। अच्छा ठीक है, चलो वो जगह दिखाओ जहाँ पे कार खड़ी थी। वहाँ पे एक गाड़ी। चलो उतरो। कहाँ पे खड़ी थी? हैं? वहाँ पे खड़ी थी एक ऊपर ऊपर चलो। सब गाड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं था, बस गाड़ी स्टार्ट करके ले गया मैं गाड़ी को। यहाँ आसपास कोई दिखा था? नहीं साहब। दूर कोई आते हुए दिखा? नहीं साहब। ठीक है, फेडरिक्स सर जरा कुछ देना। ये लीजिए। ऑयल है, गाड़ी के इंजन से गिरा होगा, इसका मतलब गाड़ी का इंजन यहां पे होगा। फेडरिक्स, गाड़ी का इंजन किस तरफ था? इस तरफ था या इस तरफ? इस तरफ था। इस तरफ मतलब गाड़ी का पिछला हिस्सा इधर था, गाड़ी ऐसे खड़ी थी, तो गाड़ी का पहला दरवाजा यहाँ पे था, यहाँ पे, और दूसरा दरवाजा यहाँ पे, दूसरा दरवाजा, पिछला दरवाजा यहाँ पे था और दूसरा दरवाजा इस तरफ, और गाड़ी के अंदर खून यहाँ मिला है, इस तरफ। चोट रोहित के सर पे लगी है, मतलब रोहित का सर इस तरफ था और पैर इस तरफ, तो यहाँ पे किसी ने रोहित को मारा है सर पे, और उसके बाद उसकी बॉडी को कार के अंदर फेंक दिया ऐसे। यहाँ आसपास जमीन अच्छी तरीके से दिखते हैं। दया
कांच का टुकड़ा। मरने वाले के सिर में से ग्लास का पीस मिला है। कहीं वो कांच का टुकड़ा इन्हीं में से तो नहीं? सुधाकर, ये सब कांच के टुकड़े इकट्ठे कर दो। ट्यूब लग रही है। डॉक्टर वागले ने बताया था ना कि वो कांच का टुकड़ा किसी 1.25 इंच के ग्लास के सिलेंडर का हो सकता है। ये भी तो 1.25 इंच का है। हाँ, 1.25 इंच। कहीं खून इसी से तो नहीं हुआ है? ये देखो, बाल चिपके हुए। अगर ये बाल रोहित के बाल जैसा हुआ तो फिर खून इसी से किया गया। डॉक्टर वागले ने बताया कि जो खून गाड़ी में है वो रोहित का ही है। चलो, कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि रोहित को मार के इसी गाड़ी में ले जाया गया था। जिन्होंने रोहित को गाड़ी में फेंका होगा वो लोग भी तो गाड़ी में बैठे होंगे। किसी ने तो गाड़ी चलाई होगी। कोई यहाँ पीछे बैठा होगा। हाँ, कोई तो बैठा होगा। इतने भारी आदमी को अंदर फेंकना इतना आसान काम थोड़ी है। ये देखो, एक औरत का बाल। ये एक औरत का बाल कहां से आ गया बीच में? और सर, अभी तक इस केस में सिर्फ एक ही औरत सामने आई है और वो है रोहित की पत्नी मानसी। तो वो भी तो बैठी होगी ना कार में रोहित के साथ, तब शायद उसका बाल आ गया होगा। मगर बाल खून में मिला है, खून में। कभी कभी बड़ी अजीबोगरीब बातें होती है केस में, पता लगता है कि खूनी घर का ही कोई आदमी है। मगर सर, मानसी को क्या जरूरत पड़ी है रोहित को मरवाने की? 40 लाख। हाँ, ये हो सकता है। सर, हमें चेक करना चाहिए था कि पिछले 3 दिन वो घर में थी या नहीं, या कहीं बाहर गई हुई थी। आपने मुझे बुलवाया है सर? कुछ पता लगा खून किसने किया है? नहीं, पता तो नहीं चला है, पर ऐसा लगता है कि हमें खूनी का एक बाल मिल गया है। बाल मिला है? तो बाल से पता लग सकता है कि खून किसने किया है? शायद, कोशिश तो करेंगे ना, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। और कुछ नहीं मिला आपको? तो आप लोग कर क्या रहे हैं, मक्खियां मार रहे हैं? नहीं, मक्खियां तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने सिर का एक बाल हमें दे दें तो हम पता लगा सकते हैं कि वो बाल आपका है या नहीं। What nonsense! आपको लगता है मैंने मारा है रोहित को, अपने पति को? अभिजीत, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सर, वो बाल खून में मिला है। खून में? Yes। तो आप बाल दे दीजिए। No, never। इससे बड़ी बेइज्जती तो हो ही नहीं सकती है। दे दीजिए ना प्लीज, नहीं तो मैं ले लेती हूँ। Stop! मैं खुद ही दे देती हूँ। नो सर, ये बाल जो आप तोड़ के लाए हैं मिसेज रोहित का, ये उस बाल से बिल्कुल नहीं मिलता है जो कार में से मिला है। नो सर, कार में मिला हुआ बाल मिसेज रोहित का नहीं है। ये बाल किसका हो सकता है? इस बाल को मैंने जब ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और इसका केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला कि जिस औरत का ये बाल है वो समुद्र के किनारे रहती है। ये कैसे पता चला? बाल पे छोटे छोटे नमक के कण मिले हैं। यही नहीं, उसने बालों को बहुत अच्छी तरह से सजा संवार के रखा है। मतलब बहुत संभाल के रखा है बालों को। She has taken good care of her hair। ये एक बहुत हेल्दी बाल है। इस पे एक खास किस्म का हेयर ऑयल लगा हुआ है। खासियत क्या है इस तेल में? ये तेल जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल को मिलाकर बनाया गया है। मैंने काफी तेलों से मिलाकर देखा लेकिन ये किसी से नहीं मिलता है। ये एक स्पेशल तेल है, शायद घर में ही बनाया गया है। और वो कांच की ट्यूब जो हमें मिली है उससे कुछ फायदा हुआ है? फायदा? दया साहब,
आप लोगों को मर्डर वेपन ही मिल गया है। मर्डर इसी से हुआ है। इस पे जो बाल लगे और जो खून लगा है वो रोहित के जैसा ही है। ये है क्या चीज? ये समझ में नहीं आ रहा है। रोहित का खूनी समुद्र के पास रहता है और रानीपुर भी समुद्र के पास ही है। रानीपुर जाके इन्वेस्टिगेशन करो। सिर्फ एक बाल हाथ में लेके तीन डिटेक्टिव निकल पड़े रानीपुर की तरफ, ये सोच के कि ये बाल दिखा के खूनी को पकड़ लेंगे। अगर किसी आदमी ने ये बात सुन ली ना, एक हफ्ते तक हंसता रहेगा। हंसेगा तो हंसने दो, खूनी को ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। सिर्फ इस बाल से ही? इस बाल से ही सही। अगर ये पता चल जाता कि ये कांच की चीज है क्या, तो भी अपना काम बनता। कम से कम ये तो पता चल जाता कि खूनी करता क्या है। मुझे तो लगता है सर, वो हेयर ऑयल ही हमारी कुछ मदद कर सकता है। जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर? जी सर। रानीपुर में जाके सब दुकानों में पूछना चाहिए, ये वाला तेल मिलता कहाँ। मेरे ख्याल से हमें पहले ब्यूटी पार्लर में पूछना चाहिए। ब्यूटी पार्लर में तेल? देखिए, हम लोग एक ऐसा हेयर ऑयल ढूंढ रहे हैं जो जरा स्पेशल है। इसमें जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों मिले हुए हैं। आपको मालूम है ये कहाँ मिलेगा? ऐसा ऑयल तो हम भी बनाते हैं। ये देखिए, ये जॉली ऑयल है, ये बहुत पॉपुलर है। आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट है जो आपसे ये जॉली ऑयल खरीदते हैं? आप लोग तो सबको जानते होंगे ना, कौन कौन लेके जाता है ये ऑयल आपसे। ये बताना तो बहुत मुश्किल है, इतने लोगों ने खरीदा है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। आपको लिस्ट की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। इस तरह का हेयर ऑयल और भी कहीं मिलता है? मिलता तो है मैडम, मगर हमारा जॉली ऑयल इज द बेस्ट, क्योंकि इसका फॉर्मूला किसी को मालूम नहीं है। शालिनी जी, इसमें कुछ मिलाती है, कुछ स्पेशल चीज, जिससे ये एकदम अलग बन जाता है। शालिनी जी कौन है? ये पार्लर उन्हीं का है। मगर आपने बताया नहीं कि ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं। हम लोग CID से हैं, एक मर्डर हो गया है, उसी की इंक्वायरी चल रही है। स्नेहा, 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 अरे स्नेहा, 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 प्लीज कोई पानी लेकर आओ। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। ये मर्डर का नाम सुनते बेहोश क्यों होंगे? ये बहुत कमजोर लड़की है, बात बात पे फेंट हो जाती है। मगर कुछ बात तो जरूर है, ये शायद कुछ जानती है उस मर्डर के बारे में। जरा पूछो इससे, कुछ जानती है क्या? कौन सा मर्डर? आप लोगों ने सुना होगा ना, लेक में लाश मिली है। वो वाला मर्डर? जी हाँ। तू कुछ जानती है उस खून के बारे में? नहीं। तो फिर इतना डर क्यों रही है? बॉक्स खोल के देखते हैं, एक भी ट्यूब टूटी हुई ना तो तेरी नौकरी गई। अब जर लगा के देखना। सब ट्यूब्स ठीक है, बच गई तू। ये है क्या चीज़? ये एक हाई फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए। ये जो जगह खाली है, यहाँ पे क्या रखते हैं? वहाँ पर भी एक ट्यूब आती है। वो कहाँ है? वो शायद टूट गई है। कैसे टूट गई? पता नहीं, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। वैसे भी हम रोज रोज ये बॉक्स खोलते नहीं है। सर ये देखो, वो टूटी हुई ट्यूब कहीं ये तो नहीं है? शायद यही है। ये आपके पास कहाँ से आई? मैं बताता हूँ बाद में आपको। देखा, बराबर फिट हो रही है, मतलब इसी बॉक्स की है। आपको मालूम है खून इसी से हुआ है? इसका मतलब है खूनी यही का कोई आदमी है। कौन कौन हाथ लगाता है इस बॉक्स को? मैं लगाती हूँ सर। ये ट्यूब कैसे टूटी? मालूम नहीं सर। तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये ट्यूब टूट गई है? तुम्हारे सामने टूटी है ये ट्यूब? मालूम नहीं सर। देखो, चुपचाप बता दो, खून का मामला है। मुझे शालिनी जी ने बताया था। वो जो यहाँ की मालिक है? हाँ। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने मुझसे पूछा कि ये ट्यूब कहाँ गई। फिर? मैंने कहा मालूम नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर वो कहने लगी कि शायद ट्यूब टूट गई है, नई लानी पड़ेगी। कब बताया उन्होंने? कल। ये शालिनी जी कहाँ है, इस पार्लर की ओनर? वो शायद घर पर है और वो घूमने के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इंडिया से बाहर? उनका पता बताना। 404 Sunrise Nagar। नहीं, बाहर जा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका, बड़ी अच्छी जगह है। अरे इटली भी जा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ,
वहां से हम लोग इटली भी जाएंगे। अगर आप लोग इटली जा ही रहे हैं तो वहां से पूरा यूरोप ही देख सकते हैं। 40 लाख में तो आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। 40 लाख? आपसे किसने कहा हम 40 लाख रुपए लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे हमारा बजट तो सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए का है। 1-1.5 लाख रुपए क्यों? आप लोग ये जो स्पेशल तेल बनाते हैं जॉली ऑयल, जिसमें जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल मिलाते हैं, ये तो बहुत चलता है ना। आपने कभी रोहित का नाम सुना है? रोहित? हाँ रोहित, उसकी लाश यहीं रानीपुर में पानी में से मिली है। जिस चीज से उसे मारा गया वो चीज हमें मिल गई है। ये चीज क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम आपके ब्यूटी पार्लर में पहुंचे सब समझ में आ गया। जी हाँ, और वहां से हमें ये मिला। पहचानते हैं आप इस डब्बे को? हाँ, पर आप ही क्यों उठा लाए? वो लेके आओ। ये चीज इसमें बराबर फिट हो रही है। ये इंस्ट्रूमेंट आपका ही है ना? प्लीज प्लीज, ये क्या हो रहा है? मेरी समझ नहीं आ रही। हम लोग तो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, अचानक से आप लोग बीच में कहां से आ गए? हम लोग अचानक आ गए इसलिए आप लोग पकड़े गए। पकड़े गए? हाँ, रोहित के कार में खून मिला है और उस खून में एक बाल मिला है, एक औरत का बाल, जो रोहित की वाइफ का नहीं है। तो मैं क्या करूं? वो बाल शायद आपका है। आप भी ये जॉली बॉय लगाती है ना? आशा, इनका एक बाल है। हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि वो बाल इनके बाल से मिलता जुलता है कि नहीं। नहीं, मेरे पास मत आना। प्लीज मुझे बाल दे दीजिए। नहीं दोगे? देखिए प्लीज मुझे बाल। रोहित हमारे घर काफी दिनों से आ रहा था सर। उसे कहीं से पता चल गया था कि हम अपना घर बेचना चाहते थे। तो बेचा क्यों नहीं? हमें 60 लाख रुपए चाहिए थे, मगर 35 लाख रुपए से ज्यादा दे ही नहीं रहा। तो और किसी को क्यों नहीं बेच दिया? आजकल मार्केट खराब है, कोई बड़ा मकान खरीदना ही नहीं चाहता। और उस दिन वो 40 लाख रुपए लेकर आ गया, कहने लगा कि कैश लो और मकान छोड़ दो। हम नहीं माने और उसके साथ जब हम होटल वापस जा रहे थे तो रास्ते में हमारा फिर से झगड़ा हो गया। उसने मुझे थप्पड़ दे मारा, गुस्से में मैंने उसके सर पर कांच की ट्यूब फोड़ दी। वो नीचे गिर गया सर। हमारी कुछ समझ में नहीं आया हम क्या करें। हमने उसे ले जाकर लेक में फेंक दिया और हम गाड़ी को वापस वहीं छोड़ा। हमने जानबूझ कर ऐसा नहीं किया, हम उसे नहीं माना चाहते। अचानक ही हो गया। नहीं, अचानक नहीं हुआ, ये नीयत खराब हो गई आप लोगों की। आप लोगों ने उसके पैसे भी लिए है ना, पैसे चुराए ना आपने। एक निरपराध आदमी का खून करने और उसे लूटने के जुर्म में आप लोगों को शायद फांसी की सजा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।